एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल की बात मैं करने जा रहा हूं अभी, जो कि इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। खैर इसका एग्जांपल लिखते हैं, 3x³ + 9x² + 9x² + 5x + 4। सो ऐसा नहीं कि इसमें मतलब पावर डिक्रीज होगा तो ही ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक और भी एग्जांपल, केवल इतना भी आपके पास, इफ यू हैव ओनली 3x³ + 9 इट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक क्योंकि डेफिनेशन हमने पॉलिनोमियल का क्या बोला है, विच हैज वन और मोर टर्म्स। अगर वन टर्म भी है तो भी पॉलिनोमियल ही है। कैसा है अभी डिस्कस करते हैं भाई आपसे, मैं वही एग्जांपल लेने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कंप्लीट हो गया बेटा। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि शायद लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको नहीं रीड करते हैं बुक में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। अभी आपसे कोई बोले 100 इज द पॉलिनोमियल और नॉट, टॉपिक पढ़ने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 100 में तो एक्स नहीं है। बट मैंने अभी आपको बोला कि 100 में एक्स है, बट उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एक्स की पावर क्या है वहां पे 100 में बेटा, x^2। अभी मैंने आपको बताया कि पावर नहीं है बट उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, x^0 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपने पास। लेकिन हम पता है हमको कि 100 के साथ क्या लिखा है, x^0। सो इसका नेम क्या होता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। इसका दूसरा भी एक नेम होता है, इसका दूसरा भी एक नेम होता है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। क्या नेम होता है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों जीरो डिग्री होता है भी मैं आपको बताता हूं, इसका भी रीजन देता हूं, दोनों रीजन दूं। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, अब देखिए इसका दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है नो डाउट। इन अ पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में एक्स की पावर क्या है, आप सोचिए कॉन्स्टेंट में एक्स की पावर क्या है, केवल 100 लिखा है मेरे पास। अब आप तो बोल रहे हो सर यहां तो एक्स है ही नहीं, यहां तो एक्स है नहीं, आप कैसे बोल रहे हो एक्स की पावर क्या। बिल्कुल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला इसके लिए पावर डिक्रीज होता है, मतलब यहां डिक्रीज होके क्या रहा है, एक्स की पावर जीरो, x^0। दैट मीन्स देखो यहां पे, इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो, देखिए वेरिएबल क्या एक्स ले रहे हैं, इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो इज कॉल्ड जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, अदरवाइज केवल एक कॉन्स्टेंट टर्म। ये दोनों नेम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसका रीजन बता दिया कि जीरो डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो इट इज कॉल्ड जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, अदरवाइज केवल कॉन्स्टेंट लिखा है आपके पास 100, सो इट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर, आप दो में से कोई भी उसका नेम दे सकते हो। ओके चलिए, सो इसको देखते हैं कि अब ये इसका डेफिनेशन हो गया, दोनों का नेम मैंने आपको समझा दिया। अब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 100 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो आप क्या आंसर दोगे, यस 100 इज अ पॉलिनोमियल, बट किस टाइप का, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, अदरवाइज जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ओके फाइन, नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हुआ अभी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया। अब मेरे को ये चेक करना है कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज डिस्कस अबाउट सम एग्जाम्पल्स। ओके सो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ऐसा लेता हूं कि विच इज पॉलिनोमियल और विच इज नॉट, विच वन इज पॉलिनोमियल एंड विच वन इज नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, अपने को पता होना चाहिए। मैंने आपको सारी चीज बताई कि फिर से रिपीट करता हूं कि पॉलिनोमियल के केस में हम लोग किसको कंसीडर नहीं करते, नेगेटिव पावर इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, अदरवाइज इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज फ्रैक्शनल तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर समझता है, कौन सा नहीं। ठीक है, सो नंबर वन देखते हैं हम लोग कि px इज इक्वल टू, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x³ + √x + x² + 3। चलिए अब मुझे ये चेक करना है, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो मैंने आपको क्या बताया कि पॉलिनोमियल का पावर क्या, नॉन जीरो, जीरो चलेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, बट क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल।
सो अदरवाइज आपका वो क्या हो जाएगा, पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, देखिए चेक करते हैं। आई थिंक शायद मे बी 90% स्टूडेंट्स नो वेरी वेल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट एक्स, बट 10% स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको भी रिपीट करता हूँ, ये क्या चीज है, मैं इसको कैसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 1/2। रूट एक्स का मीनिंग क्या है, एक्स रेस टू 1/2। एक बार यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर रूट एक्स मतलब यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट है, क्या ये स्क्वायर रूट, दैट मीन्स कि एक्स की पावर 1/2, क्यूब रूट एक्स दैट मीन्स कि एक्स रेस टू 1/3, फिफ्थ पावर ऑफ एक्स इट मीन्स कि एक्स रेस टू 1/5। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको नहीं समझते, मोस्ट ऑफ, मैं समझता हूँ 90% स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी 10% के लिए मैंने इसको यहाँ साइड में लिखा हुआ है और आप इसको प्लीज अपनी नोटबुक में रखना, ठीक है। चलिए ओके, एक्स क्यू प्लस एक्स रेस टू 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, मेरा क्वेश्चन है इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, अगर ये पॉलिनोमियल है भी तो किस टाइप का, विच टाइप। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, एक्स की पावर मैक्सिमम 3 दिखी, स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसने क्या कर दिया, मैक्सिमम पावर 3 देखा, आंसर लिख दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल और आंसर क्या हो गया, रॉन्ग, मार्क्स कितने मिले, 0। उसका रीजन क्या था, रीजन ये था कि इसने ये नहीं चेक किया, पावर मैक्सिमम 3 है ओके, बट ये क्या है एक्स रेस टू 1/2, हमको पता है नंबर सिस्टम में पता है, नॉर्मल लाइफ में पता है हमको, मैथमेटिक्स पढ़े हुए सब लोग हैं, बट कि 1/2 से ग्रेटर है 3, बट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल वी कांट कंसीडर फ्रैक्शनल, वेरिएबल ऑफ पावर कैसा, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वी कांट कंसीडर, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्लियर, ये पॉलिनोमियल का केस नहीं है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं भी क्लास 10th में था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था बार बार कि मैं खुद भूलता था, बिल्कुल सही बात है, कोई भी हो कि रूट एक्स लिखा है, अभी सपोज डेट मैंने क्या लिखा है, यही सेम देखिएगा तो नॉमिनल सा चेंज, और फिर भी वहीं पे गड़बड़ होता है, देखिए कैसे, इसी के जैसे एक सेम एग्जांपल में लेता हूं, पीएक्स इज इक्वल टू, और डिफरेंस बहुत नॉमिनल है, लेकिन देखिएगा गलती कितनी बड़ी होती है क्लास में अपने से, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3√3x, मैं लिख रहा हूं अभी √3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, अभी चेक करें, अभी फिर से मेरा क्वेश्चन, नाउ माय क्वेश्चन इज पीएक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस √3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो अब आंसर आपको क्या देना है, वेरी क्लियर, एक्स रेस टू 3, एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 2, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये ओनली एक्स, इसमें चेंज किया हो रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा, यहां पे रूट किस में लगा था, एक्स में, डेट मीन एक्स की पावर 1/2 था, किस में आ रहा है, नंबर पे आ रहा है, इट मीन्स क्यूबिक, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 3 था तो मैंने आपको कौन सा टाइप बताया था, फर्स्ट वन क्या था, मैक्सिमम पावर 1 डेट मीन्स लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 डेट मीन्स क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम पावर 3 तो कौन सा होगा, क्यूबिक। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स की सर पावर 4 भी हो सकता है, 5, 6, 100, 200 कितना भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड दिया गया कि भाई क्यूबिक तक हमको लिखना है, 4 को बोलते हैं भाई क्वाड्रेटिक, लेकिन 5, 6 को हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ पावर, सिक्स पावर, ओके, ऐसा सबका नेम नहीं लेना आपको, एक 10th स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बट अगर 4 का भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उसका नेम क्या होता है, क्वाड्रेटिक के आगे बाई, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्लियर। So, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना दिखा आपको, 3, बस एक ये नॉमिनल सा चेंज एग्जाम के टाइम पे याद रखिएगा, आपकी बुक में भी क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे कि रूट कहां पर है, रूट अपना नंबर पे है, अदरवाइज रूट कहां है, वेरिएबल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे भी, एक और अभी बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं देखिएगा, और एग्जाम में उनको कैसे कंफ्यूज किया जाता है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि px इज इक्वल टू x प्लस 1/x, x प्लस 1/x,
अभी सबको क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपने देखा बेटा कि यहाँ पे पी एक्स की पावर क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, मतलब कि यस सर लीनियर है, लीनियर भाई क्यों लीनियर है, क्यों लीनियर है? यू नो अबाउट आइडेंटिटीज, यू नो अबाउट फ्रैक्शन, आपने क्लास एट्थ में नाइन्थ में सब जगह पढ़ा हुआ है कि अगर पावर वेरिएबल का नेगेटिव है यहां पे, तो मैंने आपको बताया नेगेटिव तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे उसको, बट ये क्या है, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स क्या है? आपने यहां पे देखा कि एक्स की पावर वन है, इसमें भी एक्स की पावर वन है सर, लीनियर हो गया, बट नॉट नॉट अ लीनियर, ये नॉट अ पॉलीनोमियल, बिकॉज उसका रीजन क्या है, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करें, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू वन, इट्स ओके, बट हियर इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके गए, देखिए क्या हो रहा है, एक्स की पावर माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन। अभी हम चेक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक बहुत बल, क्योंकि मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया, अब मेरे को ये चेक करना है कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स, ओके। So, सबसे पहले कि मैं एग्जांपल ऐसा लेता हूं कि विच इज पॉलिनोमियल और विच इज नॉट, विच इज, विच वन इज पॉलिनोमियल एंड विच वन इज नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, अपने को पता होना चाहिए, मैंने आपको सारी चीज बताई। कि फिर से रिपीट करता हूं कि पॉलिनोमियल के केस में हम लोग किसको कंसिडर नहीं करते, नेगेटिव पावर इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, अदरवाइज इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज फ्रैक्शनल तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर समझता है कौन सा नहीं, ठीक है। सो नंबर वन देखते हैं हम लोग कि पी एक्स इज इक्वल टू, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। चलिए अब मुझे यह चेक करना है इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो मैंने आपको क्या बताया कि पॉलिनोमियल का पावर क्या, नॉन जीरो, जीरो चलेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, बट क्या होना ही होना चाहिए, नेगेटिव और क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल। सो अदरवाइज आपका वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, आई थिंक शायद मे बी 90% स्टूडेंट्स नो वेरी वेल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट एक्स, बट 10% स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको भी रिपीट करता हूँ, ये क्या चीज है, मैं इसको कैसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू वन बाई टू, एक्स रेस टू वन बाई टू, रूट एक्स का मीनिंग क्या है, एक्स रेस टू वन बाई टू। एक बार यहां पे मैं आपको बताता हूं कि अगर रूट एक्स मतलब यहां पे रूट स्क्वायर रूट है, क्या ये स्क्वायर रूट, दैट मीन्स कि एक्स की पावर वन बाई टू, क्यूब रूट एक्स दैट मीन्स कि एक्स रेस टू वन बाई थ्री, फिफ्थ पावर ऑफ एक्स इट मीन्स कि एक्स रेस टू वन बाई, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको नहीं समझते, मोस्ट ऑफ, मैं समझता हूँ 90% स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी 10% के लिए मैंने इसको यहाँ साइड में लिखा हुआ है और आप इसको प्लीज अपनी नोटबुक में रखना, ठीक है। चलिए ओके, एक्स क्यू प्लस एक्स रेस टू वन बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, मेरा क्वेश्चन है इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, अगर ये पॉलिनोमियल है भी तो किस टाइप का, विच टाइप। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, एक्स की पावर मैक्सिमम थ्री दिखी, स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया उसने क्या कर दिया, मैक्सिमम पावर थ्री देखा, आंसर लिख दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल और आंसर क्या हो गया, रॉन्ग, मार्क्स कितने मिले, जीरो। उसका रीजन क्या था, रीजन ये था कि इसने ये नहीं चेक किया, पावर मैक्सिमम थ्री है ओके, बट ये क्या है, एक्स रेस टू वन बाई टू, हमको पता है नंबर सिस्टम में पता है, नॉर्मल लाइफ में पता है हमको, मैथमेटिक्स पढ़े हुए सब लोग हैं, बट कि वन बाई टू से ग्रेटर है थ्री, बट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल वी कांट कंसीडर फ्रैक्शनल, वेरिएबल ऑफ पावर कैसा, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वी कांट कंसीडर, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्लियर, ये पॉलिनोमियल का केस नहीं है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं भी क्लास टेंथ में था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था बार बार कि मैं खुद भूलता था, बिल्कुल सही बात है, कोई भी हो कि रूट एक्स लिखा है, अभी सपोज डेट मैंने क्या लिखा है, यही सेम देखिएगा तो नॉमिनल सा चेंज, और फिर भी वहीं पे गड़बड़ होता है, देखिए कैसे, इसी के जैसा एक सेम एग्जांपल में लेता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू, और डिफरेंस बहुत नॉमिनल है, लेकिन देखिएगा गलती कितनी बड़ी होती क्लास में अपने से, ठीक है, एक्स क्यूब
प्लस थ्री रूट थ्री एक्स, मैं लिख रहा हूं अभी रूट थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, अभी चेक करो। अभी फिर से मेरा क्वेश्चन, नाउ माय क्वेश्चन इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस रूट थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इट इज पॉलीनोमियल और नॉट? तो अब आंसर आपको क्या देना है, वेरी क्लियर, एक्स रेस टू थ्री, एक्स रेस टू वन, एक्स रेस टू टू, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये ओनली एक्स। इसमें चेंज क्या हो रहा है बहुत अच्छे से देखिएगा, यहां पे रूट किस में लगा था, एक्स में, डेट मीन एक्स की पावर वन बाई टू था, किस में आ रहा है, नंबर पे आ रहा है, इट मीन्स क्यूबिक, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज थ्री, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज थ्री, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज थ्री। सो अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का थ्री था तो मैंने आपको कौन सा टाइप बताया था, फर्स्ट वन क्या था, मैक्सिमम पावर वन डेट मीन्स लीनियर, मैक्सिमम पावर टू डेट मीन्स क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम पावर थ्री तो कौन सा होगा, क्यूबिक। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स की सर पावर फोर भी हो सकता है, फाइव सिक्स हंड्रेड टू हंड्रेड कितना भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड दिया गया कि भाई क्यूबिक तक हमको लिखना है, फोर को बोलते हैं भाई क्वाड्रेटिक, लेकिन फाइव सिक्स को हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ पावर, सिक्स पावर, ओके, ऐसा सबका नेम नहीं लेना आपको, एक टेंथ स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बट अगर फोर का भी आपको लिखना तो आप लिख सकते हैं, उसका नेम क्या होता है, क्वाड्रेटिक के आगे बाई, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्लियर। सो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना दिखा आपको, थ्री, बस एक ये नॉमिनल सा चेंज एग्जाम के टाइम पे याद रखिएगा, आपकी बुक में भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे कि रूट कहां पर है, रूट अपना नंबर पे है, अदरवाइज रूट कहां है, वेरिएबल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे भी एक और, अभी बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं देखिएगा, और एग्जाम में उनको कैसे कंफ्यूज किया जाता है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, अभी सबको क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपने देखा बेटा कि यहां पे पी एक्स की पावर क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, मतलब कि यस सर लीनियर है, लीनियर भाई क्यों लीनियर है, क्यों लीनियर है, यू नो अबाउट आइडेंटिटीज, यू नो अबाउट फ्रैक्शन, आपने क्लास एट्थ में नाइन्थ में सब जगह पढ़ा हुआ है कि अगर पावर वेरिएबल का नेगेटिव है, यहां पे तो मैंने आपको बताया नेगेटिव तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे उसको, बट ये क्या है, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स क्या है, आपने यहां पे देखा कि एक्स की पावर वन है, इसमें भी एक्स की पावर वन है सर, लीनियर हो गया, बट नॉट, नॉट अ लीनियर, ये नॉट अ पॉलीनोमियल, बिकॉज उसका रीजन क्या है, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करें, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू वन, इट्स ओके, बट हियर इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके गए, देखिए क्या हो रहा है, एक्स की पावर माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन, अभी हम चेक करते हैं भाई, यहां से तो हमने देखा तो बोर्ड एग्जाम में आया जल्दी से, अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, खुश हो गया, आंसर लिख दिया क्या, लीनियर, क्योंकि पावर दोनों में कितना दिख रहा है, वन, बट वो रॉन्ग आंसर हो गया बेटा। हमको क्या करना है, जो भी आपका ये चीज एकदम लर्न कर लीजिए, माइंड पे सेट कर लीजिए कि एक बोर्ड एग्जाम में या कहीं पे भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल कहां पर, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ओके, सो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसकी पावर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कहां पे, न्यूमरेटर में। तो देखा हमने एक्स की पावर क्या हो गया, माइनस वन, बट अब यहां पे माइनस वन और वन, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल वी कांट कंसीडर द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल नेगेटिव और फ्रैक्शनल, तो नेगेटिव पावर आ गई, डेट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए एक और ऐसा ही एग्जांपल, सेम टू सेम ऐसे एग्जांपल, और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आएगा देखिएगा, एक बिल्कुल ऐसे एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स, एक लिखा एग्जांपल, ये आपकी बुक में क्वेश्चन आया एग्जाम में आया, एक सेकंड वाला उसने दे दिया ऐसा, पी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वन ये सेकेंड वन,
एक्स प्लस थ्री बाई एक्स बाई थ्री, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कर देते, चलिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर कर देता हूं। तो हमने क्या चेक किया कि एक्स रेस टू पावर टू, डेट मीन मैक्सिमम पावर टू है, और यहां पे पावर वन दिख रहा है। बट मुझे याद है, अच्छा सर ने बोला था कि अगर मतलब पावर हमको चेक करना है डिनोमिनेटर में है, अगर आपको ये लाइन मेरी याद है, अगर आपको मेरी ये लाइन याद है, ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट अगर ये लाइन आप मिस कर गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स वहां कट हो जाएंगे। क्या चीज, दोनों में देखिए बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है, एक में थ्री बाई एक्स है, सेकेंड वन में क्या है, एक्स बाई थ्री। डेट मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो नंबर था, नंबर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में था, तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते। इसको कंसिडर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पावर जब हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे डिनोमिनेटर से, तो कैसा हो जाएगा, माइनस वन। बट इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है हमको, टू, और ये इसका पावर वन, डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट नंबर है, क्लियर, ओके। अभी देखिए एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, ये तो आपको समझ में आया, इसको लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको आपको याद रखना है कि पावर कैसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम लोग कि एक पीएक्स, पीएक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू, आपके आईएमओ में या एनएसओ में या कहीं पे भी ये क्वेश्चन आया, क्लास टेंथ में ही आ गया कि प्लीज राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्स रेस टू 100 प्लस 50 एक्स रेस टू 50 प्लस एक्स रेस टू 200 प्लस 9x टू द पावर 300। अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों सिखाया, ओके, उसका रीजन क्या, व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों बताया, उसका रीजन यहां से आएगा जब आपका कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का आएगा। और आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कभी आपने सुना ही नहीं होगा, वो वर्ड क्या होता है, कहां से लिखोगे, सो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है, मैंने क्यों आपको सारे पार्ट में बताया स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको क्या सिखाया था कि इफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का देन डिक्रीज होता है पावर, क्या होता है बेटा, डिक्रीज पावर होता है, ठीक है। तो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको कैसे लिखेंगे, इसको डिक्रीज करते हैं पावर को, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्वेश्चन क्या आपका, राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया मैक्सिमम पावर क्या आएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे, दैट मींस 9x रेस टू 300, ओके, सो 9x रेस टू 300 प्लस, अभी आप बोलिए क्या होगा, यस ऑब्वियसली एक्स रेस टू 200 प्लस एक्स रेस टू 100, देन लास्ट में क्या होगा बेटा, 50x रेस टू 50, क्लियर। सो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या था, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि पावर को डिक्रीज करते जाते हैं, मतलब पावर क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसके लिए अगर आपने कभी ये वर्ड सुना ही नहीं था क्लास टेंथ में या नाइन्थ में एट्थ में कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, आपको क्या किया, पॉलिनोमियल, ओके एग्जाम्पल, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया आपने, लर्न कर लिया, एग्जाम्पल्स देख लिए, क्वेश्चंस कर लिए। बट अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आया और बोल दिया राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे लिखें। तो इसका मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग हर जगह सेम कि पावर कैसे होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो देखिए पहले 300, फिर 200, फिर 100, देन लास्ट में 50, ओके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके लिए अभी पॉलिनोमियल के केस में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्लास टेंथ में पॉलिनोमियल के चैप्टर में हमको करना क्या है। बहुत सारे पॉइंट्स अभी आने वाले हैं अपने पास कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, अब ये जीरोज क्या होता है, आप क्लास नाइन्थ में कर चुके हो, बट वो सारी चीजें लेंगे। लेकिन अभी एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब 10% स्टूडेंट्स की बात करूं, चलो 90% को आता होगा, लेकिन 10% स्टूडेंट्स बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, बहुत स्मॉल पॉइंट्स होते हैं जिसको नहीं चेक करते, ठीक है। लाइक कोई एग्जाम्पल है कि 3x स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 3x की पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 10। अभी मैंने लिखा राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स को क्या याद है कि सर ने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है पावर को।
बट वो ये चीज भूल गए, होता है। हमको कंसीडर क्या नहीं करना था वो भी याद रखना है बेटा, हमको कंसीडर क्या नहीं करना है, हमको बताना है। क्वेश्चन आया कि राइट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, बट वो पॉलीनोमियल है या नहीं पहले वो तो चेक करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप, भाई मुझे तो आता है क्वेश्चन बहुत इजी है, सर ने बताया था कि मैक्सिमम पावर लिखना है, उसके पावर डिक्रीज करते जाना है। बट ये रिमाइंडर रखना है अपने माइंड पे, आपको ये माइंड पे सेट करके रखना है कि अगर पावर फ्रैक्शनल है, अदरवाइज पावर नेगेटिव है, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। ओके, वही बात इस केस में आगे देखिए। आप इसका आंसर लिख के चले आओगे, कैसे लिख दोगे आंसर कि भाई पहले आपने पावर 9 वाला लिख दिया, 9x^10, 3x³, 3x² 3x², आप खुश हो गए आंसर, बट आंसर रॉन्ग हो गया वहां पे। क्योंकि बात किसकी हो रही, एक अगर आपको ये बोलता है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ले सकते हैं। लेकिन बेटा यहां पे हम किसको नहीं कंसीडर करेंगे, ये किसकी बात हो रही, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के केस में हम फ्रैक्शनल को और जीरो को कंसीडर करते हैं, जीरो से इन्फिनिटी, बट फ्रैक्शनल और नेगेटिव को कंसीडर नहीं करते हैं। वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे कहां से, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। उसका रीजन भी आप दे देना उनको, इसका रीजन क्या है कि यहां पे एक्स का पावर क्या है, फ्रैक्शनल है, x^1/2। क्लियर, चलिए ओके। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, ऐसा ही कुछ कि मतलब आप कंफ्यूज कहां पे होते हैं वो हम लोग देखना चाहेंगे। केवल देखिए क्वेश्चन कैसा रहा है कि px=√3x³+x^4+10x^9। फिर से क्वेश्चन वही आया, बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करता तो आंसर डिफरेंट है, बट अगर इन केस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने इसका बात किया कि पावर वेरिएबल का फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरी क्लियर, ओके। नाउ px=√3x³+x^4+10x^9। अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये दोनों पावर तो सेम है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि हमको क्या चेक करना है, बेटा बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है, बहुत नॉमिनल सा, लेकिन 90% स्टूडेंट्स यहाँ आके फेल हो जाते हैं। क्यों, बहुत जल्दी में क्वेश्चन का आंसर देना बोर्ड एग्जाम में। क्लियर, सो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स की पावर क्या है, फ्रैक्शनल है 1/2, बट यहाँ पे √3 है, डेट मीन यहाँ 3 की पावर 1/2 है। दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है पता चल रहा है आपको, मैंने आपको क्या सिखाया, इन द केस ऑफ पॉलीनोमियल वी कांट कंसीडर इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। अगर पावर वेरिएबल का कैसा है, फ्रैक्शनल है, अदरवाइज नेगेटिव है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट इसको तो कंसीडर करेंगे ना, ये तो कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे कंसीडर, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर कितना है, 9। ये क्या रूट कहां पे लगा है, √3 नॉट एक्स। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, और प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिएगा। सो 10x^9 10x^9 प्लस 3x³ को आपको कॉमन लेना तो ले लीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि बच्चे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन भी होता है कोई ग्राफ का या कोई नंबर का, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऐसे इसका भी रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, तो x³ कॉमन मिल गया, तो 3+√3 + x^4 भी था अभी तो x^4 आएगा पहले, आफ्टर डेट 3 x^4, डेट मीन 9 कवर हुआ, 4 कवर हुआ, अभी इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा बेटा, 3+√3। अब इसका मीनिंग देखिए, अगर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता ना तो एकदम इजी हो जाता आपके लिए कि इसमें तो पता ही चल रहा है x³ है, बट क्वेश्चन ऐसा लिखने का मीनिंग क्या था, और एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो प्लीज इस चीज को बहुत याद रखिएगा, रिमाइंडर में रखिए, अपने माइंड पे सेट कर लीजिए इसको कि पावर अगर वेरिएबल का कैसा है, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, तो उसको कंसीडर नहीं करना है, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे आपसे और चाहे आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन में पूछे वो, ठीक है। और प्लीज एक चीज और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात अलग है, उसमें हम पावर का वेरिएबल
वेरिएबल का पावर जो है फ्रैक्शनल ले सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ पॉलिनोमियल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, बट मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, शायद आप उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे फिर से, तो मैं उसको भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये क्या है। एक एग्जाम्पल और भाई, क्वेश्चन आया अपने पास कि एक क्वेश्चन है कि रूट थर्टी इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब बच्चे कंफ्यूज कि रूट स्क्वायर रूट 30, दैट मीन्स 30, इसको हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रूट 30। अब यहाँ पे कंफ्यूजन देखिएगा, कितना अच्छा कंफ्यूजन आ रहा है आपके माइंड में। आप एग्जाम में बैठे हो, रूट 30 आ गया, अब आप सोच रहे हो रूट 30 सर ने बोला था कि अगर रूट में वैल्यू है, अब यहाँ तो एक्स भी नहीं, अब मैं क्या करूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको सब चीज को स्टेप वाइज चलिए। सेकेंड स्टेप में रूट 30 को क्या लिखता हूँ बेटा, पहले इसका सॉल्यूशन जब भी हम लिखेंगे, मतलब हम क्या लिख रहे हैं, 30 to the power 1/2, बट यहां पे x की पावर 1/2 नहीं है, किसका पावर 1/2 है, 30 to the power 1/2। इसके साथ क्या लगा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसके साथ भी कोई भी कांस्टेंट, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किस टाइप का कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट ये रूट को देख के ऐसा मत चेक करने लगना कि पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है, क्लियर? तो देखिए 30 to the power, बट यहां पे हम क्या लिख देंगे, x raised to 0, तो इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, और अगर है तो किस टाइप का, तो आंसर क्या आएगा, यस इट इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। चलिए ओके गुड, तो अभी हम लोग यहीं पे आज डिस्कस अपना डिस्कशन खत्म करते हैं, और अभी नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बाद का डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने क्या किया, एक बार फिर से पूरा, पॉलिनोमियल फ्रॉम वेयर वी गेट दिस पॉलिनोमियल, सो वी गेट फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कहां से फाइंड आउट किया हमने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको नेम से पता चल रहा है एल्जेब्रिक का मीनिंग, मैंने क्या बताया आपको, टू पार्ट्स, कौन सा, वेरिएबल कॉन्स्टेंट। वेरिएबल कॉन्स्टेंट में क्या हुआ बेटा, जिसकी फिक्स वैल्यू हो, वेरिएबल नहीं है वो, क्या है वो, वेरी, मतलब उसके नाम से ही आपको जान लेना है, वेरिएबल जिसके अंदर एक एबिलिटी है वेरी, चेंज होने का, विच हैज नॉट अ फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, विच हैज अ फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हुआ, पॉली मीन्स मैंने आपको क्या बताया, मैनी, नॉमियल मीन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेम, बट अपने मैथमेटिक्स में उस नेम को क्या बोल दिया, टर्म, ओके। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया मैंने आपको, और इसके बाद मैंने आपको बताया विच एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और विच एक्सप्रेशन इज नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हम किसको कंसीडर नहीं करते, इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, 2, 3, 0 सब कंसीडर करेंगे, बट अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल -1/2 है, -1 है, तो उसको कंसीडर हम नहीं कर सकते बेटा, ओके। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।